कांग्रेस पार्टी ने पछात विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में चुनाव आचार संहिता की शिकायत पर कार्रवाई न होने को लेकर आक्रोश रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस की शिकायतों पर चुनाव आयोग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं पार्टी के उम्मीदवार गंगूराम मुसाफी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस को मिल रहे जन समर्थन से भाजपा हताश है, इसलिए भाजपा सरकार द्वारा खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ बाजार में एक रोष रैली निकाली। कांग्रेस द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर कार्यवाही की जाए। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस की शिकायतों पर चुनाव आयोग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार क्षेत्र की जनता का कांग्रेस पार्टी को काफी समर्थन मिल रहा है और उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कहीं आगे है। पिछले 7 दिनों से यहाँ पे हूँ, जिस ढंग से हमारा प्रचार चल रहा है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है। और आप ये जन समूह यहाँ देख रहे हैं, ये जो जन समूह है ये पछात क्षेत्र का है। ये हमने मुख्यमंत्री की रैली में किराए के लोग लाए गए थे, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आज पछात की जो जनता है वो गंगूराम मुसाफिर के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, और हम यहाँ से जो है बड़ी जीत जो है दर्ज करने वाले हैं। साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत झूठे प्रलोभन दिए गए, चुनाव आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ, लोगों को शराब पैसे बांटने का प्रयास किया गया, लेकिन पछात की जनता जो है ईमानदार है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। और 21 तारीख को आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और पूरे प्रदेश में एक संदेश जो है पछात से जाएगा, कांग्रेस पार्टी जो है फिर से उभर के आएगी और 2022 में जो है कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने का जो है मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं पार्टी के उम्मीदवार व वरिष्ठ कांग्रेस नेता गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मिल रहे जन समर्थन से बीजेपी हताश है। मुसाफिर ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और लोगों को कई प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। जनता पार्टी का जो चेहरा है उसको असली तरह अच्छी तरह से समझ चुकी है और अब ये उनके प्रलोभन और जुमले में आने वाले नहीं हैं। इसी वजह से सरकार के जो मंत्री हैं वो खुल्लम खुल्ला जो है आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि पहली बार जो है मेरे ख्याल है 100 जो है JCB मशीनें आज जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में जगह 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 काम कर रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है। लेकिन मुझे अपने लोगों पे पूरा भरोसा है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारी जो प्रबुद्ध जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएगी और इनको 21 तारीख को जो है इनको रास्ता बताएगी और 24 तारीख को पछात से जो चमत्कार होगा वो उससे भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।